हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो जी आज है 2nd of June और आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, सभी बहुत चंगे हैं। अभी ये जो राइड होने वाली है 14 दिन की होने वाली है, और कहाँ की होने वाली है, ये होने वाली है लेह लद्दाख की। तो जी ये देख सकते हो आप लोग, सैडल बैग सारे रेडी हैं, टैंक बैग मेरा रेडी है, ऑलरेडी नीचे पहुँच चुका है, बाकी सब बढ़िया है, सब मज़े में है। आई होप आप सब भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। और बाकी चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से गोप्रो सेटअप पे। आज है 2nd of June, टाइम हुआ है 4:40, और आज स्टे अपना होने वाला है अमृतसर, जो कि मेरे घर से अराउंड 464 किलोमीटर। बाकी नेक्स्ट डे विच इज़ 3rd of June, 3rd of June को हम निकलेंगे जम्मू के लिए, और जम्मू में स्टे करेंगे। बाकी बने रहिए यार वीडियो में, चैनल के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जर्नी कैसी रही, और ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूँ वीडियोस में आप लोगों के साथ। कितना टोटल एक्सपेंस लगा, कितना किलोमीटर है, कैसा रूट है, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो गाइस, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, और अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दो, कमेंट छोड़ देना नीचे कि जी क्या चेंजेस चाहते हो। अगर फीडबैक छोड़ोगे तो कुछ इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी है। बाकी तो सब बढ़िया है, सब दोस्त है, हम भी मस्त हैं और चल रहे हैं, मिलते हैं कहाँ, गोप्रो सेटअप पे। सो गाइस, फाइनली मैं एंटर कर रहा हूँ अम्बाला। सो हियर इज द ब्यूटीफुल एंट्रेंस ऑफ अम्बाला, और अम्बाला आपका स्वागत करता है हरियाणा। नाइस। तो जी अम्बाला में एंटर कर लिया है, और अभी यहाँ से मेरे को शो कर रहा है करीबन 252 किलोमीटर, और दिखा रहा है जो कि 4 घंटे का रास्ता शो कर रहा है। फिर से 2 बजी जाएंगे मेरे को पहुँचते पहुँचते अमृतसर, और आज का होल्ट होने वाला है अमृतसर में। मेरा फ्रेंड रहता है वहाँ पे, तो फ्रेंड के साथ होगा, और बाकी फिर नेक्स्ट डे वहीं से। एक्चुअली प्लान ये है कि मेरे को लीव्स जो हैं पूरी प्रॉपर नहीं मिल पाई हैं, मेरे को सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। सो व्हाट आई विल डू नाउ कि मैं भी अमृतसर पहुंचूंगा, और कल मैं लॉग इन करूँगा अपने ऑफिस के लिए, वहीं से दोस्त के यहाँ से ऑफिस का काम करूँगा, फिर 3 बजे ऑफिस का काम लॉग आउट करके वहाँ से निकलूँगा मैं जम्मू के लिए। ठीक है जी। फिर वहाँ से जम्मू के लिए निकलूँगा मैं, और कल का स्टे होगा अपना जम्मू में। उसके बाद हम जम्मू से करेंगे लॉग इन, और लॉग इन करने के बाद हम सैटरडे मॉर्निंग में निकल जाएंगे जम्मू से सोनमर्ग के लिए। और जिस सोनमर्ग से, सैटरडे संडे तो वैसे ही छुट्टी है, सोनमर्ग से फिर सीधा लेह के लिए, संडे तक लेह पहुँच जाएंगे, और अच्छे से अच्छे से अच्छे से प्रॉपर वाले अकम्लेटाइज हो जाएंगे वहाँ पे जाके 5 दिन के लिए। 5 दिन बहुत होते हैं, 5 दिन में बॉडी अपने अच्छे से एडजस्ट कर लेगी वहाँ के एनवायरनमेंट में, और वहीं से 5 दिन में लॉग इन करने वाला हूँ अपना ऑफिस के लिए भी। उसके बाद हम 10 तारीख को वहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। अब आगे की जर्नी फिर वहीं से पहुँच करके बताएंगे, सारा अभी से खोल दिया सस्पेंस, तो फिर आगे के लिए क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं ना, इसीलिए अभी तक का प्लान इतना ही है, इतना ही समझ लीजिए और जान लीजिए। और काफ़ी सारे मित्र हैं अपने जो मिलेंगे जम्मू में, तो बस यही है जो भी है जी। और प्लान तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है मैंने कि क्या है। बेसिकली देखा जाए तो 14 डेज़ की ट्रिप बोला जाता है लेह लद्दाख को, बट समहाउ मैं, छुट्टियां तो सिर्फ मेरे को 1 हफ्ते की मिल रही हैं, तो 1 हफ्ता मैं मैनेज करूँगा, ऑफिस का काम भी करता रहूँगा जहाँ पे भी स्टे करूँगा, और शाम को राइड करूँगा, अपना ड्राइव करूँगा आराम से 1 हफ्ते में, अपना राइड कंप्लीट कर लेंगे हम, 18 या 19 तारीख को रिटर्न कर देंगे। एक्चुअली इंस्टेंट प्लान बनाना ही है, तो जिस वजह से यार छुट्टियाँ लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, काम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था ऑफिस का, बट समहाउ बस मैनेज हुआ है कि जिस जैसे तैसे करके, और बाकी सब बढ़िया है जी, सब मज़े में है।
कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का है, और गंदी स्मेल भी आ रही है आसपास। शायद कहीं ना कहीं आग लगा रखी है जिसकी वजह से ये धुआं सा आ रहा है और स्मेल आ रही है। हो रहेगा अभी दस लीटर कर दो पूरा, आ जाएगा। नहीं आएगा, हल्का सा करो। बस 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 हुआ, बस रहने दो। 9.83 लीटर, 950 रुपये। क्या रेट चल रहा है? 96। ये अच्छी बात है कि पेट्रोल पंप मिल गया यहाँ पे खुला ना भाई साहब। मैं तो सोच रहा था कि पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा खुला हुआ, और अगर नहीं मिलता ना तो बस अपनी तो लग जानी थी आज, कि बाइक की लिमिट दिखा रहा था 120 या 130 चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती, और 150 किलोमीटर ऑलरेडी पड़ा हुआ था अभी अमृतसर। सही है यार, पेट्रोल भी करा लिया रिफिल, मतलब वही जो टाइम एक्सपेक्ट किया था, 1:30 से 2 बजे के बीच ही पहुंचेंगे, हो सकता है 2 भी बज जाए। गाइस अभी 150 किलोमीटर रह गए यहाँ से अमृतसर, और मैंने लिया है अपने लिए एक डिनर ब्रेक। डिनर करना ज़रूरी था क्योंकि टाइम ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं रात को, तो डिनर करते हैं। डिनर में मैंने मंगाया एक आलू पराठा और साथ में दही होने वाली है, तो जी डिनर करते हैं आज का, क्योंकि थोड़ा लाइट ही लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक्चुअली मेडिसिन लेनी है, इसलिए डिनर लेना भी ज़रूरी है टाइम से। 9 तो ऑलरेडी निकल चुका है, बट स्टिल सर के ठीक है, डिनर करते हैं और उसके बाद फिर हम निकलते हैं यहाँ से, और अब डायरेक्ट अपना रुकेंगे कहाँ, अमृतसर पहुँच के। तो बाकी चलते हैं, और अगर कुछ देखने दिखाने लायक होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। ये आ गया अपना डिनर आज का, अब लगाते हैं मक्खन। मक्खन लगाया जाएगा, मक्खन पराठे में, तो मक्खन भाई साहब निकल जाओ, जम रखे हैं एक्चुअली, जमे बने हुए जमे मक्खन मान के पराठा लगाया जाएगा दही के साथ, अभी सब बढ़िया है जी। भाई साहब आप बढ़ जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे फिनिश करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे, देखेंगे। तो जी गाइस, अभी मैं अमृतसर एंटर कर रहा हूँ, और ये गेट देखिए क्या शानदार है ना, एंट्रेंस पे जो गेट लगा हुआ है कितना सुंदर है भाई साहब, दिस इज सो ब्यूटीफुल मैन। दिस गेट इज सो ब्यूटीफुल, अमृतसर एंटर कर दिया है हमने, और लेट्स सी अभी देखते हैं। अभी दिखा रहे हैं यहाँ से 7.9 किलोमीटर, 12 मिनट का रास्ता है। ओके, ऑल इज 12 मिनट्स फार फ्रॉम हेयर, नो प्रॉब्लम मैन, ऑल इज 12 मिनट्स फार फ्रॉम हेयर, इट्स अराउंड 7.5 किलोमीटर्स, सो is in my right, railway station is straight, we have to go straight,
11 minutes, 6.9 kilometers. Let me call my friend Rishabh. Hey, my friend Rishabh, where are you? हेलो हेलो, हाँ ऋषभ भाई, ये 6.5 किलोमीटर दिखा रहा है अभी मेरे को, और एक फ्लाईओवर आया है उस पे सीधे दिखा रहा है गोल्डन टेंपल, जलियांवाला बाग और दुर्गेना मंदिर। तो नीचे से जाना है ना फ्लाईओवर के, नीचे से राइट ले लूँ मैं। वो क्रॉस कर दिया जहाँ पे सिक्योरिटी भी रहती है, आई थिंक पुलिस वगैरह रहती है, वही ना, वही गेट। हाँ, वो काफ़ी बड़ा सा गेट है और उस पे पुलिस वगैरह भी लगी रहती है, बैरियर वगैरह लगे रहते हैं। हाँ, वो क्रॉस करके उससे आगे आके फ्लाईओवर आया था एक, उस फ्लाईओवर के नीचे से आगे आ चुका हूँ मैं, और अब मेरे को राइट को दिखा रहा है रास्ता, 6 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से सिर्फ।